छोटी सी स्टोरी थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। हाँ ये ना, हाँ मेरे को बहुत लग रहा था कि एक बार बस राजस्थान में मिल लो, मुझे फैमिली मेम्बर्स में नहीं मिली थी, मतलब अपने पति से नहीं मिल पाई थी। मैं छोटी ले गए वहाँ पे, उनने मुझे एक बेड पे ट्रांसफर किया, उस पर कपड़ा ऐस ढंग से ढका गया था कि मुझे नीचे का पार्ट विजिबल नहीं था, इवन मेरी आँख तक कवर थी वहाँ पे। पीछे देख रही थी ऐसे करके कि राजा का है, राजा का है, क्योंकि यार डर लगता है ना आपको कोई ऑपरेशन जब आप सुनते हो तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। एंड पिक्चर में आप देखते हैं ना, ऐसे आपको ऐसे मिलेगा बच्चा, गोदी में लोगे, लाइक वीडियोज में होता भी है, मुझे सिर्फ दिखाया ऐसे करके। हाँ फिर जैसे मैंने देखा, मैं बोला अरे इसकी तो नाक मेरी जैसी, ये दिमाग में आया मेरे, इसकी तो नाक मेरी जैसी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी स्टोरी टाइम होने वाली है। तो इट्स बीन 8 मंथ मेरी डिलीवरी हुए और कमेंट काफ़ी बार आता है कि आप जो डिलीवरी रूम स्टोरी, आई थिंक ये काफ़ी फेमस है ऑन यूट्यूब, लाइक कि डिलीवरी होती है कि डिलीवरी रूम में आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्या नहीं था। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें जो लोग बोलेंगे हैं ये क्या था। तो ऐसा हो सकता है, तो जो भी चीज़ें वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करी आपके साथ, डिलीवरी रूम की स्टोरी जो है वो नहीं की थी, और इवन पता है मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला था ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, कि जो टाइम पीरियड पर आप सोचते हो ना कि डिलीवरी रूम में या कहाँ पर क्या होता है या क्या होता है, उतने टाइम तक मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो थोड़ी सी स्टोरी टाइम वीडियो शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि बेबी के साथ प्रॉपर व्लॉगिंग वगैरह थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, और रेगुलर आना मेरे लिए अभी फिलहाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम है, अभी ये खेल रहा है तो इस बीच में जो वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिलीवरी होने वाली है एंड दे आर लाइक स्केयर्ड, स्केयरी फीलिंग आपको लगता है अगर आप सोचो, मेरे हिसाब से सोचो ही मत, क्योंकि नॉर्मल होना है या सी सेक्शन होना है वो आपको ऑन द टाइम पता चलेगा, क्योंकि मैंने एक्सरसाइजेस वगैरह भी की थी फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड आई वॉज वेरी एक्टिव मेरे जो प्रेगनेंसी थी उसमें, लाइक खाना पीना घर की सफाई सब कुछ, सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करती थी, बाकी जितना भी काम रहता है घर में, और घर में कपड़े वपड़े धोने से लेकर सारे काम फोल्ड करना बहुत काम होता है, तो सब किया था, बहुत एक्टिव थी। बट मेरी जो डिलीवरी थी वो सी सेक्शन थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 37 वीक से, क्योंकि हम अगर बहुत पहले आगे जाएंगे तो उससे ये होगा कि ये जो स्टोरी है ये कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो 37 वीक मेरा सबसे पहला इंटरनल चेकअप था, इंटरनल चेकअप। और हाँ एक क्वेश्चन और आता है इसी से मुझे याद आया, कि लोग पूछते हैं कि क्या बोलते हैं, कितनी बार जो डॉक्टर है ड्यूरिंग योर होल प्रेगनेंसी आपका जो वजाइनल पार्ट है वो चेक करते हैं। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर वगैरह होती है तो दे विल चेक। जैसे मुझे एक बार ब्लीडिंग हो गई थी, तब उन्हें चेक किया था, अराउंड 8 मंथ में हो गई थी मुझे ब्लीडिंग हो गई थी 8 मंथ में, तब तो उन्होंने मुझे प्रोजेस्टेरोन की इंजेक्शन लगाए थे 2 दिन, एंड ब्लीडिंग स्टॉप हो गई थी। तो एंडिंग में मुझे ब्लीडिंग हो गई थी, लाइक हो गई थी, ठीक है, लाइक बहुत हैवी नहीं थी बट हाँ नॉर्मल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। तो उस टाइम पे मुझे लगे थे, और उस टाइम पे मेरा पहला वजाइनल हुआ था। अगर वो नहीं होता तो डायरेक्ट जब आपका इंटरनल चेकअप होता है तब होता है, या अगर आपका TVS होता है, TVS स्कैन होता है, लाइक आपके थ्रू वजाइनल टूल इंसर्ट किया जाता है आपके वजाइनल पार्ट के थ्रू, और वो जो स्कैन है वो वहाँ से होता है। अदरवाइज आपकी सोनोग्राफी जो है आपके बेली पार्ट से ही होती है। तो अगर वो नहीं होता तो डायरेक्ट मेरा जो 37 वीक था, तो उसी टाइम पे जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो डॉक्टर एनालाइज लाइक देखता है कि ओपन हो रहा है, क्योंकि डिलीवरी डेट पास आने लगती है। तो मेरा 37 वीक में मैं डॉक्टर के पास गई थी फॉर इंटरनल चेकअप, और मेरी लास्ट सोनोग्राफी हुई थी तो उसकी रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर के पास गई थी। बेबी अच्छी पोजिशन में था, बट बेबी का फेस जो था वो लाइक अप होना चाहिए डाउन था, या डाउन होना चाहिए अप था, आई थिंक डाउन होना अप होना चाहिए, वो डाउन था। उस टाइम मैं डॉक्टर के पास गई, तो फर्स्ट इंटरनल चेकअप हुआ था। इंटरनल चेकअप थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, और कभी कभी बहुत पेनफुल भी हो सकता है। तो जब मैंने फर्स्ट चेकअप कराया था इंटरनल, तो वो थोड़ा पेनफुल था, थोड़ा था। फर्स्ट इंटरनल चेकअप जैसे ही मेरा हुआ, उस टाइम मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था कि यार थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है लाइक ये जो प्रोसेस है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब डिलीवरी होगी तब भी ये होगा। तो 37 वीक का 4 डे लगा था, लाइक 3 दिन ही हुए थे मुझे, एंड मैंने रात में खाना बनाया, प्रॉपर खाना वाना खाया, ये तो आई थिंक मैंने डिलीवरी स्टोरी में बताया था। राजा ऑफिस जाने को जा रहे थे, और मैंने राजा से एप्पल मांगा, पर मैंने एप्पल नहीं खाया, पता नहीं क्यों नहीं खाया था।
ठीक है, पानी मैंने मांगा था, पानी मैंने एक घूट पिया था या नहीं पिया था, तो इतना कुछ हुआ और मैं बेड पे थी एंड सडनली मेरा जो वाटर बैग था लेटे लेटे ही, मतलब मैं उठी भी नहीं थी कि वाटर ब्रेक बैग था वो ब्रेक हो गया, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था उस दिन, बहुत ज़्यादा उठने का मन ही नहीं हो रहा था मेरा। अब एक चीज़ मुझे ब्लॉगिंग के थ्रू काफ़ी हेल्प हुई कि क्या था, मेरे को लगा था अगर आपका हॉस्पिटल बैग पैक नहीं है तो जब आप 8.5 या अराउंड 8 महीने ही पहुँचते हो तो आप अपना हॉस्पिटल बैग पैक करके आप फ्री हो जाओ। तो ब्लॉगिंग में क्या होता था, जैसे मैं ब्लॉग करती थी तो मैं हॉस्पिटल बैग बीच बीच में पैक करती रहती थी, तो ऑलमोस्ट उस टाइम तक जो मेरा हॉस्पिटल बैग था वो पैक हो गया था। दो चीज़ें थी लाइक मेरी फीडिंग मैक्सी थी जो वो बस रखनी बची थी। मैंने एक चीज़ और अच्छी करी थी, अगर आप अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बेबी के कपड़े प्रॉपरली निकाल पाएगा, तो ये सजेशन भी मुझे थ्रू व्लॉग से मिला था। तो कहते हैं ना ब्लॉगिंग बहुत हेल्पफुल रही थी मुझे मेरी 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। तो मुझे किसी ने कहा था या बहुत से लोगों ने कहा था कि आप क्या कर लो, day 1, day 2, day 3 के हिसाब से बेबी की जो क्लोथ है वो अरेंज कर लो। तो मैंने इसके ना रॉम्पर्स रख लिए थे 3 दिन के हिसाब से पैक करके, कि अगर 3 दिन होते हैं, क्योंकि 3-4 दिन जब नॉर्मल होती तो 2 दिन या 3-4 दिन मैं दोनों तरह से तैयार थी। तो डे वन में मैंने इसका रख लिया, इसके जैसे बनियान रख ली, इसके क्या बोलते हैं रॉम्पर रख लिया, इसका डायपर रख लिया, इसके किटन मिटन्स एंड कैप जो है मिटन्स वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ इसका रख लिया। तो day 1, day 2, day 3 इस तरह से मैंने अरेंजमेंट कर ली, इसकी ड्राई शीट रखी थी, बहुत सी चीज़ें। अगर आपको हॉस्पिटल बैग की वीडियो देखनी है तो वही मुझे बता दीजिएगा, एसेंशियल्स लाइक आपके भी एसेंशियल्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है। तो जब जिस तरह गेट पहुँचे थे मैंने बोला राजा मेरा वाटर बैग ब्रेक हो गया, मेरी डिलीवरी के टाइम पे मुझे पेन नहीं आए थे, मतलब मुझे एक एहसास भी दर्द का नहीं हुआ। डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने बोला कि जल्दी से आप आ जाओ। हम हॉस्पिटल पहुँचे, 2 हॉस्पिटल थे, हमने फाइनलाइज तक नहीं किए थे क्योंकि 20 दिन पहले ही डिलीवरी जो थी मेरी हो रही थी, क्योंकि मेरे को लग रहा है इंटरनल चेकअप भी मे बी इसका कारण हो सकता है। तो जैसे हम लोग डॉक्टर ने बोला तो हमने एक हॉस्पिटल सेलेक्ट किया, उनमें से हमने बोला ठीक है हम ये फलाना हॉस्पिटल है उस पर हम लोग आ रहे हैं। और फिर हमने उन्हें बताया तो उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर नर्स का नाम उन्हें बताया था एंड उन्होंने कहा कि आप जाके उनसे मिल लेना एंड दे विल लाइक चेक कर लेंगे क्या कैसा है। वहाँ तक जाते जाते मुझे बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया था, लाइक इन कार पूरा घर, हॉस्पिटल के जो वो थी क्या बोलते हैं लिफ्ट थी, मैंने मेटर्निटी पैड लगा के रखा था बट वो भी ऐसा था कि यार इट्स लाइक अ नल, तो इस ढंग से था, इतना बुरी ब्रेकेज थी। वहाँ पे गए, फिर हम एक रूम में गए थे सबसे पहले, वहाँ पे वो नर्स थी और 1-2 बेड रखे थे। आई थिंक आपने वो येलो टॉप वाली वीडियो देखी होगी, शूट इतना नहीं कर पाए क्योंकि मैं और राजा ही थे। तो बैग रख लिया था हमने, वो बैग पैक था, तो एक फ़ायदा था कि यार चलो बैग पैक है, तो मुझे उसकी वो यदि कंघी वंघी सब कुछ रखी हुई थी उसमें, मैंने एक्स्ट्रा सब कुछ रख दिया था उसमें, अपना भी स्लीपर्स वगैरह जो थी वो सब कुछ रखी हुई थी मैंने, मतलब मैं सब कुछ अरेंजमेंट करके रखी थी। YouTube ब्लॉग्स ही था वो जो ये सब किया हुआ था मैंने, कि ब्लॉगिंग में मैं दिखा रही कि ये पैक कर लिया, ये भी कर लिया, इसके कपड़े ले आए, बहुत से कपड़े स्वेडलिंग क्लोथ सब कुछ ला के इसका वो कर दिया था। उसके बाद लिफ्ट से हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे, फिर वो नर्स को ना आधा घंटा लग गया प्रॉपर, और राजा बहुत पैनिक हो रहे थे, मैं बहुत पैनिक हो रही थी क्योंकि वाटर अगर बहुत ज़्यादा चला जाता तो प्रॉब्लम हो सकती थी ना। तो वो नर्स फ्री नहीं थी, फिर वो नर्स फ्री हुई, फिर उन्होंने चेक किया है मुझे, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं वो मुझे इमरजेंसी जो रूम होते हैं वहाँ ले गए थे। तो ये जुलाई की बात है, अप्रैल में बहुत कोरोना था पिछली बार, बहुत डेथ रेट थी, और मुझे वैक्सीनेशन तो नहीं लगता आपको प्रेगनेंसी में, उस टाइम पे ऐसा कुछ था भी नहीं। तो डॉक्टर को आने में ना अराउंड 1.5 या 2 घंटे तक डॉक्टर ही नहीं आई मेरी, एंड मेरे को होता जा रहा था, मेरे को लगा कि पता नहीं क्या होगा। इसी बीच में क्या हुआ था, डॉक्टर को उन्होंने बोला कि हम ऑपरेट तब तक नहीं करेंगे जब तक आपका कोविड टेस्ट नहीं हो जाता है, या कुछ भी प्रोसीजर नहीं करेंगे, चाहे वो ऑपरेट हो या चाहे आगे आपको लेबर रूम लेके जाना हो। तो फिर उनने किसी को कॉल किया, तो इमरजेंसी में आते हैं वो आपको कोविड टेस्ट करने, आई थिंक किटी थी यार, RT-PCR था वो या क्या था, 1400-1500 रुपीज़ उसके दिए थे हमने, बट उनने किटी में किया था वो, अब वो हो सकता है RT-PCR ऐसे होता, पर वो एट द टाइम सेम टाइम पे रिजल्ट दे दिया था, तो वो नेगेटिव आया। तो अब किसी भी प्रोसीजर के लिए मैं तैयार थी। तो डॉक्टर ने पहले तो इंटरनल चेकअप किया,
और जब उन्हें इंटरनल चेकअप करने के लिए अपनी जो फिंगर रहती है उसे वो इस तरह से वो करते हैं, चेक करते हैं जब, तो उस टाइम पे ना मेरी चीख निकल गई. मैंने बोला प्लीज़ मत करो. दर्द नहीं हो रहा था पर मुझे ना मतलब कि वैसे लेबर पेन नहीं हो रहे थे पर वो बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा था उस टाइम पे. तो फिर डॉक्टर मुझसे बात करती रही करती रही करती रही, फिर उन्होंने इंटरनल चेकअप किया तो कुछ भी ओपन ऐसा नहीं था. तो उन्होंने बोला कि अभी टाइम है, पेन नहीं आ रहे थे तो उन्हें एक ड्रिप चढ़ा दी कि ड्रिप के थ्रू जो पेन है वो आना शुरू हो जाए. उसके बाद भी मुझे कोई पेन नहीं आ रहा था, कोई पेन नहीं आ रहा था. अभी काफ़ी लंबी स्टोरी हो गई ना, मुझे पता अभी तक डिलीवरी रूम तक ही नहीं पहुँचे. खैर कोई नहीं, तो उसके बाद मुझे कोई पेन नहीं आ रहा था. फिर डॉक्टर ने बोला कि बेबी का जो फेस है वो इस तरह से थोड़ा हो सकता है, हम लोग ट्राई करते हैं नॉर्मल के लिए, बट हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए. ये डॉक्टर के वर्ड्स थे. और पेन मुझे हो नहीं रहा था तो उन्होंने बोला आप डिसीजन बनाना चाहते हो तो बना लो, वी विल गो फॉर सी सेक्शन. तो फिर मैं और राजा थे, मैंने अपनी मम्मी को बोला. तो मेरी मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी अगर ज़्यादा वाटर लॉस हो गया तो बेबी को ना हो जाए. और आई जस्ट ऐसा था कि मेरे को बच्चा किसी भी उसमें मेरे को नहीं कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं चाहती थी. तो हमेशा याद रखिएगा अपने कन्वीनियंस के लिए भी कभी बच्चे की जान को खतरे में मत डालिए. वैसे कोई माँ नहीं डालती है पर मैं नहीं डालना चाहती थी, मतलब मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी किसी भी तरह, क्योंकि मेरे को पता था कि कितना वाटर जो है वो लॉस हो चुका है. मैं घर से देख रही थी लेकिन आई वॉज लूजिंग. एंड कुछ लोगों का लॉस भी हो जाता है वाटर लॉस, उसके बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और कई बार खतरा भी बन जाता है. तो हर तरह से केसेस जो हैं वो आते हैं. तो अगर आपका ऐसा केस है कि आप मुझसे बोलोगे कि हमारा भी वाटर लॉस हुआ था पर बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हो गया, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई हो. तो उसके बाद क्या हुआ, मम्मी से मैंने बोला अपनी, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला तो मम्मी ने बोला तुम लोगों को जो भी सही लग रहा है वो देख लो. फिर हम लोगों ने अपना, क्योंकि बोल तो यहाँ पर थी नहीं देखने के लिए, तो फिर मैंने राजा को बोला राजा बताओ. तो फिर हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि वी विल गो फॉर सी सेक्शन. अब सी सेक्शन मुझे लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा. उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या खाया था लास्ट, तो एंडिंग में मैंने लास्ट में इडली वगैरह ही खाई थी. मैंने बोला मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, क्योंकि आपका कोई भी प्रोसीजर होता है ऑपरेशन का उससे पहले आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है. तो मैंने बोला मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है ऐसे. तो उन्होंने बोला तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपका ऑपरेशन जो है वो सी सेक्शन के लिए ले चलते. मेरे को लगा टाइम लगेगा, सीरियसली मुझे लगा कि टाइम लगेगा, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है. उन्हें राजा को कुछ मेडिसिंस दी हैं, लाइक एक स्लिप दी है कि मेडिकल वहाँ पे जो नीचे था वहाँ से जाके वो लेके आ जाए. राजा गए हैं, मेरे जो नॉर्मल क्लोथ्स थे वो वहीं की वहीं उतरवा दिए गए थे जहाँ पे मैं थी उसमें. और आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसे, चाहे आपका सिजेरियन होने वाला हो चाहे आपकी फिर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली हो, उसे वो क्लीन करते हैं. तो एक चीज़ होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोगों को काफ़ी शर्म आती है, हम लोग को लगता है कि यार डिलीवरी के टाइम हो गए वो क्लीन करेंगे ही करेंगे आप चाहे कितना करो. और नॉर्मली सेवेंथ मंथ के बाद से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपने प्राइवेट पार्ट तक पहुंच के उसे क्लीन करना. सीरियसली आपका पेट इतना वो रहता है कि आप नहीं कर पाते हो. उसके भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते. मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी तो मैंने डाली नहीं फिर वो वीडियो, मतलब इस रिगार्ड में लाइक हेयर रिमूवल के उसमें मैं डाली नहीं मुझे लगा रहा. तो उसके बाद वो आपको क्लीन करते हैं एंड मतलब मुझे क्लीन किया उन्होंने एंड उन्होंने मुझे एक मैक्सी दी थी वो चेक वाली याद है मुझे. और वो मैक्सी और आपके जो जितने भी अंडर गारमेंट्स होते हैं, अब इट इज़ लाइक अ TMI वीडियो, अब यहाँ से थोड़ी TMI वीडियो है. तो जितने भी आपके अंडर गारमेंट्स होते हैं वो अलग कर देते हैं, लाइक जितने मेरे कपड़े थे जो घर के मैं पहन के गई थी, टॉप मेरा मैटरनिटी पैंट एंड जो भी इंटरनल लाइक जो भी अंडर गारमेंट्स थे वो उन्होंने वहाँ पे निकाले थे एंड जस्ट एक हल्की सी मैक्सी पहना के रखी थी. एंड उन्होंने मुझे स्ट्रेचर ही होता है ना उस पर डाला और वो ले गए. और मैं पीछे देख रही थी ऐसे करके कि राजा का है क्योंकि यार डर लगता है ना आपको कोई ऑपरेशन जब आप सुनते हो तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है एंड बेबी का के लिए होने वाला था. तो मैं बहुत डर रही थी, मुझे लग रहा था कि एक बार मुझे राजा से मिलना है. लास्ट टाइम मैंने राजा को उस टाइम पे उस लाइक उस पर्टिकुलर डे पे अपने ऑपरेशन से पहले तब देखा था जब हम लोगों ने उस चीज़ पे अग्री किया था. तो मेरे को बहुत लग रहा था कि एक बार बस राजा से मिल लूँ. मुझे फैमिली मेम्बर्स में नहीं मिली थी, मतलब अपने पति से नहीं मिल पाई थी मैं. तो मेरे को बहुत लग रहा था कि एक बार बस राजा से मिल लूँ. मुझे फैमिली मेम्बर्स में नहीं मिली थी, मतलब अपने पति से नहीं मिल पाई थी मैं. छोटी ले गए वहाँ पे, उन्होंने मुझे एक बेड पे ट्रांसफ़र किया एंड इतनी बड़ी सी एक लाइट होती है, आई थिंक वो तो आपने देखा ही होगा पिक्चर बच्चों में, इतनी बड़ी सी लाइट होती है वो होती है. और पूरा रूम जो था वो क्या बोलते खाली था वो वाला रूम. और वहाँ पे एक टूल्स वगैरह जो डॉक्टर के रहते हैं,
मेरे पास क्या बोलते हैं, मेरे दो डॉक्टर थे, एक तो मेरी डॉक्टर थी, एक उनके साथ की थी, और फिर एक जो आपको एनेस्थीसिया देते हैं, लाइक जो आपको सुन करते हैं, और कुछ नर्स थी, लाइक एक दो नर्स थी मुझे याद है, और एक दो आई थिंक वार्ड बॉय भी थे वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा था मुझे। क्या हुआ था, जब मैं गई थी तो उन्होंने मेरा ना ये मैक्सी वाला पार्ट था ये अलग कर दिया था, मुझे याद है, बस मुझे थोड़ा बहुत उन्होंने ढका हुआ था, जो काफ़ी अजीब सा लग रहा था मुझे वहाँ पे, पर मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। ये चीज़ मैंने फिर राजा को बाद में आके अराउंड जब अधिक एक महीने का हो गया था उस टाइम मैंने बताया था राजा, पता मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो मेरे जो पूरा वो था उस पर आपको जैसे विजाइनल नहीं है तो नॉर्मल नहीं है तो वो पार्ट तो कवर कर देते हैं वो, ऊपर से मुझे ऐसा याद है कि सिर्फ एक कपड़ा सा रखा हुआ था और मैक्सी जो थी वो उन्हें अलग करी हुई थी। मुझे सिर्फ राजा की याद आ रही थी उस टाइम पे कि कहाँ है, मैं बस ये देख रही थी कि कहीं से आ जाए, हो सकता है दिख जाए, कहीं से आ जाए कहीं से आ जाए, पर नहीं आ पाए थे तब तक, क्योंकि कुछ फॉर्म्स वगैरह भी होते हैं जो आपको साइन करने होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, वो एक यूरेथर, आई थिंक यूरेथर ही बोलते हैं, जहाँ से आप पी पास करते हो वहाँ पे एक ट्यूब डालते हैं और एक बैग लगा देते हैं, वो होता ही है। तो वो आई थिंक दो दिन मेरे लगा हुआ था कि आपको प्रॉब्लम होती है ना वहाँ तक जाने में कि आपको बाथरूम जाना है तो आप नहीं मूव कर पाते हो इतना, वो उन्हें लगाया। उसके बाद उन्हें मुझे बिठाया है, वो जो प्रोसेस होता है वो ट्यूब लगाने वाला, जब से आपका पी जो है वो पास हो, वो इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, सिर्फ हल्का सा कुछ पता चलता है। वन सेकेंड, हेलो, तो आपको हल्का सा पता चलता है, ऐसा कुछ खास पता नहीं चलता। फिर उन्होंने मुझे बिठाया और एक इंजेक्शन लगता है, नमिंग इंजेक्शन, वो जो लोअर पार्ट है वो सुन हो जाता है। वो इंजेक्शन कहते हैं बहुत पेनफुल होता है। डॉक्टर ने पहले कुछ रब किया था मुझे, ऐसा कुछ याद है, गरम गरम से। तो ये जो स्टोरी है इससे पहले मेकअप भी आना है क्योंकि अब तो इसके आने का टाइम ही हो गया था। तो उनने कुछ रब किया एंड देन उन्हें कहा था मूव मत करना, बिल्कुल भी हिलना नहीं, एकदम स्ट्रेट बैठने के लिए। इंजेक्शन लगाया था, कुछ खास मुझे नहीं पता चला था, दर्द वर्द नहीं हुआ था मुझे। फिर उन्होंने लटा दिया, उसके बाद मुझे याद है उन्हें मेरी आँख पे ना कुछ रख दिया था, कपड़ा रखा था, कुछ मेरी आँख पे रखा हुआ था कि मैं कुछ भी नहीं ऐसे देख पाई थी, पर मुझे पता था कि कुछ चल रहा है। और मेरे जो ये वाला हिस्सा है इस पर एक कपड़ा ऐस ढंग से ढका गया था कि मुझे नीचे का पार्ट विजिबल नहीं था, इवन मेरी आँख तक कवर थी वहाँ पे, कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। आई थिंक मे बी आप पैनिक कर जाओगे खुद को वो करके। उसके बाद डॉक्टर मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कुछ फील हो रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे करके कुछ फील हो रहा है, मैंने बोला अरे मुझे कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता, हल्की सी सेंसेशन थी मुझे। और उसके बाद क्या हुआ, एकदम से डॉक्टर ने जब कट लगाया फर्स्ट, तो अराउंड फोर लेयर जो है वो कटती है। जब फर्स्ट कट लगाया तो मैंने एकदम से बोला डॉक्टर मुझे पता चल रहा है, पेन नहीं हुआ था कि मेरे लगे हुए काटा तो दर्द हो गया ना, मैंने बोला डॉक्टर मुझे पता चल रहा है, मैं पैनिक हो गई थी कि हो सकता है कि मुझे पता चले और मुझे दर्द हो जाए। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ड्यूरिंग योर सी सेक्शन आपको फीलिंग रहती है कुछ हाथ वात की कि आपको कोई हाथ लगा रहा है, कट हो रहा है, ये हो रहा है, बट दर्द नहीं होता है। तो मैंने तो अपनी आंखें बंद करके रखी थी और मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे थे उस टाइम पे। सबसे पहले तो मैं ये देख रही थी कि क्या क्या कट रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे लग रहा था राजा अभी तक क्यों नहीं आए, ऐसी कौन सी दवाई लेने गए हैं कि वो अभी तक आ नहीं पाए। एक्चुअली में डॉक्टर ने उन्हें बाहर के बाहर एक फॉर्म साइन करने के लिए भेज दिया था, वो बीच में आ गए थे तो वो आ ही नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि हाय पूरे घर गंदा पड़ा है, अब लोग आना शुरू होंगे, ठीक है ये होगा, और मेरा घर बड़ा गंदा पड़ा है क्योंकि ऑब्वियसली सफाई नहीं कर पाई थी पूरी प्रेगनेंसी में। मुझे रहता था यार घर साफ नहीं हो रहा, और मुझसे बहुत लोग बोलते थे आपको घर की पड़ी है, तो मैं बोलती पता नहीं यार कुछ था मुझे प्रेगनेंसी में, था पूरा घर साफ होना चाहिए, मेरा घर साफ होना चाहिए, तो मेरा ये घूम रहा था। फिर मुझे लग रहा था पता नहीं यार कितना वो हो रहा है, क्या हो रहा है। बस इतने से मेरे थोड़े बहुत थॉट्स थे दिमाग में, एकदम से ना उनने मेरे ये रिब्स सेक्शन में हाथ से प्रेशर बनाया, जो कि मुझे फील हुआ जैसे कोई दबा रहा है बहुत जोर से, मुझे एकदम से बहुत, आई थिंक बेबी की थैली जो है होती है वो पुश वगैरह करते हैं तो वो उन्हें काफ़ी प्रेशर से करीबन 3-4 बार से दबाया था मुझे बहुत ज़ोर से, थोड़ा सा लगा था कि हाँ यार कोई मेरी हड्डियाँ तोड़ रहा है। उसके बाद उन्हें बोला ऐसा होने वाला है, मैं ये सुन रही थी उनकी बात, मैं आराम से थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि कैसा लग क्या क्या
कौन आने वाला है घर से और कौन है अभी, ऐसे पूछ रहे थे, तो बस मैं थोड़ा बहुत जवाब दे रही थी, पर मेरी आंखें कवर थी और मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी. और इट वॉज़ वेरी सडन सडन, मतलब कि इतना नहीं हुआ था कि सिर्फ हाँ बोला है और मैं ओटी में थी. हाँ ठीक है, सी सेक्शन कराते हैं एंड मैं ओटी में थी, तो उसका इतनी बात हुई थी. और एकदम से मुझे हल्की सी ना बच्चे की आवाज़ आई, मतलब एकदम से ज़ोर से बच्चा रोता है वैसे ही हल्की सी आवाज़ आई, उसके बाद फिर थोड़ी तेज़ आवाज़ आई, मैं बोला हो गया ठीक है. उस डॉक्टर ने मुझे इसको फटाफट आके दिखाया, पिक्चर में आप देखते ना ऐसे आपको ऐसे मिलेगा बच्चा, गोदी में लोगे, लाइक वीडियोस में होता भी है, मुझे सिर्फ दिखाया ऐसे करके. हाँ फिर जैसे मैंने देखा, मैं बोला अरे इसकी तो नाक मेरी जैसी, ये दिमाग में आया मैं, इसकी तो नाक मेरी जैसी है. और इतना समय देखा है और बच्चे को ले गए वहाँ से, सच में बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे. और कुछ बताया नहीं था उन्होंने, राजा बाहर ही थे, राजा को उन्होंने बता दिया इट्स अ बॉय. एंड देन राजा गए थे NICU तक, किसी को आई थिंक ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, तो उसे एक दिन के लिए कहा था NICU में रखने के लिए. उसके बाद डॉक्टर अब आपस में बात कर रहे हैं, मेरे को लगा यार बता नहीं रहे कि हुआ क्या, मुझे लड़की हुई है लड़का हुआ है बताओ, तो मैं थोड़ा दिमाग लगा के नाम सोचना शुरू करूँगी, क्योंकि नाम भी अभी तक कुछ सोच नहीं पाए थे. मैंने डॉक्टर से खुद ही पूछा था कि डॉक्टर क्या हुआ है, राजा को बता दिया तो मुझे नहीं बताया था. उन्होंने बोला कि बेबी बॉय हुआ है, तो फिर मेरे को थोड़ा सा लगा था यार, मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे लड़की चाहिए थी, मेरा बहुत दिल से मन था, मैं तो स्टार्टिंग से बोलती थी राजा का ही बहुत मन था कि पहले लड़की हो जाए फिर बेशक लड़का हो जाए, पर हमें लड़की चाहिए थी. तो फिर मैं थोड़ा सा हो गई, फिर मेरे को लगा अच्छा है पर बच्चा है अपना है ना, फिर अच्छी सी खुशी सी हुई थी मुझे. और बच्चे को ले गए थे, उन्होंने मुझे बच्चा दिखाया नहीं, मतलब सिर्फ एक बार दिखाया एंड लाइक कुछ सेकेंड्स के लिए दिखाया, जो आज तक मुझे लगता है कि सब लोग ऐसे फील करते हैं बच्चे को गोदी में लेते, मुझे कोई फील वो नहीं दिया उन्होंने. उसके बाद उन्होंने मुझे कपड़े वगैरह पहनाए, लाइक वो नाइटी, और जो नर्स थी उन्होंने मुझे क्लीन वगैरह किया. एंड देन मैटरनिटी पैड होता है वो मैं लेके गई थी, बट वहाँ पे ना एक कॉटन रहती है लंबी सी, और कॉटन का वो रहता, सॉरी पट्टी रहती है और कॉटन जो थी वो हमने परचेज, उन्होंने बोला था करो, उससे वो लोग पैड जो थे वो बनाते थे, काफ़ी हैवी पैड बनते और अच्छे बनते थे. उन्होंने मुझे रेडी किया एंड रेडी भी क्या किया उन्हें, मतलब जो आपकी पैड वगैरह, क्योंकि आपको पीरियड नहीं बोलते, आपके जो रेगुलर लाइक डिलीवरी के बाद फ्लो जो होता है वो शुरू हो जाता है, वो किया. उसके बाद फिर वो मुझे मेरा चेक वाला गाउन बना के ले गए ICU में. तो एक दिन का ऑब्जर्वेशन करते रखते हैं वो, तो उन्होंने मुझे रखा था, उन्होंने डायरेक्टली नहीं वो किया था. और वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मुझे बहुत सारे यहाँ पे दिल विल के पास वो सब चिपका दिए, हार्ट वगैरह, हार्ट रेट वगैरह देखने के लिए. फिर मेरे को लग रहा था बेबी आएगा आएगा आएगा, 7 तारीख को ये जन्मा था, 7 जुलाई को, पर ये मुझे प्रॉपरली 8 तारीख को मिला था. तो नर्स आती थी क्लीन करने, उसके बाद प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो गए, लाइक प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो गए थे हम लोग. उसके बाद पता है वो लोग क्लीन भी करते हैं, आपको कोई फीलिंग नहीं होगी कि आपको शर्म आ रही है या कुछ आ रही है, नहीं आती यार, पता नहीं क्यों नहीं आती वो शर्म नहीं आती है. तो उसे मैंने 8 तारीख को फर्स्ट टाइम फीड कराया था, इसको वो लोग फॉर्मूला दे रहे थे, उन्हें दिया नहीं था मुझे, फॉर्मूला दे रहे थे कि मुझे दिया नहीं था. 8 तारीख से मैंने इसे ब्रेस्ट फीड कराना शुरू किया था. उसके बाद फिर इससे जॉइनिस हुआ, 2 दिन फिर ये वहाँ पे और रहा था, मतलब हम लोग मैं ही थी वहाँ पे एडमिट उस टाइम पे. और फिर डिस्चार्ज हुई, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस था, लाइक मिक्स्ड इमोशंस थे. तो अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो सबसे पहले तो शर्माओ मत, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होंगी जब आपको पहला लाइक आपको फर्स्ट मिल्क ही अपने बेबी को पिलाना होता है, ब्रेस्ट फीड कराना होता है, तो आपके या तो घर पे कोई बड़ा इंसान है तो वो आपको हेल्प कर देते हैं, या वहाँ से कुछ क्लीन करते हैं वो लोग और थोड़ा हेल्प करते हैं आपको फीड कराने के लिए. तो मुझे नर्स ने बताया था कि कैसे फीड कराना है, और अगर बच्चा रुक जाता है ना, सो जाता है फीड करते करते, तो बच्चे को गाल पे ऐसे से करो तो वो फीड करना शुरू कर देता. तो मुझे तो मेरी माँ की सारी नर्सों ने बताया था, वो रेगुलर बेसिस पे आती थी क्लीन करती थी, जब वो नहीं रहती थी तो राजा करते थे कि राजा मेरा पूरा जो वॉशरूम वगैरह, 2 दिन में क्योंकि जो थैली थी वो अलग हो गई थी. एंड देन फॉर पासिंग स्टूल उन्हें एक दवाई दी थी, सीरप दिया था, और फिर नॉर्मल जो भी डाइट वगैरह थी वो शुरू हो गई थी. तो इस तरह से जो अर्जे के वह दुनिया में आया, मिक्स्ड इमोशन, वेरी जल्दी जल्दी सब कुछ. एक टाइम में थोड़ा अजीब भी लगा था मुझे वहाँ पे कि कपड़े जो थे, मेरे को लगा यार ये क्या है, क्योंकि वहाँ पे मेल स्टाफ भी था, बट आई थिंक सबके लिए बहुत ही नॉर्मल होता है, रेगुलर उनका काम रहता है. उस टाइम को लगा, फिर मेरे को लगा क्या ही फर्क पड़ता है ना, मेरा अद्भुत तो आ गया. अद्भुत ये है वो बेबी जिसकी मैं कहानी सुना रही थी आपको.
ये अब 8 महीने का हो गया, 8 महीने पास हो गए, चीज़ें शूट करने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं करने देता है। चलिए अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, आज से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। एक छोटी सी स्टोरी थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। हाँ ये ना, हाँ अगर आप इसे रिलेट करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए कर दो बाय बाय बाय, लव यू ऑल।